हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। स्टूडेंट्स, बच्चों, स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स में अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का बहुत ही प्यारा चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, इसका बेस तो वैसे 11th स्टैंडर्ड में आ चुका था, हम स्क्यूनेस पढ़ चुके हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता था, जिसमें हम कहते थे मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन। तो वो पार्ट से रिलेटेड कर्व होता था, जिसे हम नॉर्मल कर्व कहते थे, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कहते थे। तो वही जो पूरा हिस्सा है वो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है। चैप्टर नंबर 2 यानी लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और अब जो हम देखने वाले हैं वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड पूरा स्टडी करेंगे। तो इस सेशन में बच्चों हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो पूछी जाती है एग्जाम में एंड कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स। तो बच्चों, अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है, तो बुक में भी है और बच्चों हमारी मटेरियल कॉपी है ध्यान कॉमर्स की, उसमें भी हमने दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रैंडम वेरिएबल एक्स इंटरवल के बीच में वैल्यू अज्यूम करता है, ए एंड बी के बीच में, लेट अस से, और अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, जिसमें फर्स्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आगे चैप्टर नंबर 2 में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू शुड बी नॉन नेगेटिव, ईच रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यूज जो है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, देन सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, सिग्मा पी एक्स होना चाहिए 1, तो उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसका फॉर्मूला जो है बच्चों वो हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इनटू स्क्वायर रूट 2 पाई इनटू ई रेज टू माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। यहाँ पे x एंड म्यू बच्चों वो होते हैं ऑलवेज बिटवीन माइनस इनफिनिटी एंड इनफिनिटी, वाइल सिग्मा जो है बीइंग स्टैंडर्ड डेविएशन इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वो होगा बिटवीन 0 एंड इनफिनिटी। स्मॉल x जो है बच्चों उसे हम कहते हैं वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x, म्यू जो है उसे हम कहते हैं मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा जो है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा बच्चे पाई के बारे में और ई के बारे में कहना है, तो पाई एंड ई आर कॉन्स्टेंट, पाई की वैल्यू होती है 3.1416, while जो E है that is also constant, E की value होती है 3.7183। बच्चों इसमें mu and sigma जो है उसे हम कहते हैं parameters, और जो हमारा जो normal distribution है उसे indicate किया जाता है n bracket के अंदर हम लिखते हैं mu comma करके sigma square। तो बच्चों ये कुछ basic information हुई हमारे normal distribution की, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं properties of नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ऑब्जर्व कर लेते हैं अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों उसमें हम कहते हैं सिंपली वेरिएबल कौन सा होगा, तो जैसे हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देन उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों वो आप कह सकते हो कॉन्स्टेंट के बारे में, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन which indicates mean and standard deviation of normal distribution। यानी याद रखना है बच्चों, ये आगे भी कह चुके हैं, important भी है, mu and sigma जो है उसे कहा जाता है parameters। Then property number 3 है बच्चों, the distribution is symmetric about mean, यानी कि mu, and उसकी वजह से value जो है उसकी skewness की value क्या होती है 0, इसीलिए symmetric frequency distribution कहा है हमने। And then चौथी property है, property के अंदर हम कह चुके हैं कि फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड दे आर इक्वल। अगर नोटेशन में लिखना है तो हम कह सकते हैं दैट इज म्यू इज इक्वल टू एम ओ इज इक्वल टू एम मीडियन। एंड लास्ट में कहते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारे पास है जैसे कि हम कह चुके हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन, यानी क्यू थ्री माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस क्यू वन। उसके ऊपर से बच्चों हमें फॉर्मूला मिल जाती है, m फाइंड करना है तो q3 प्लस q1 बाय 2। एंड सिक्स प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो भी हमारा कर्व है यहाँ पे वो कर्व हमेशा होगा बेल शेप्ड कर्व। तो ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चों 7 नंबर की प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम यहाँ पे कर्व के हिसाब से कह रहे हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे,
दैट नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, यानी अगर आप बॉर्डर देखते हो यहाँ पे तो वो इनफिनिटी तक यानी इनफाइनाइट तक कंटिन्यू रहेगी, पैरेलल रहेगी, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस, यानी इसीलिए कहा जाता है एसिम्प्टोटिक। ठीक है, देन प्रॉपर्टी जो है हमारी 8th नंबर की प्रॉपर्टी है, उसमें हम कह रहे हैं कि अगर आपको Q1 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उनकी फॉर्मूला जो है जिससे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल सकती है, दैट Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा एंड Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.65 सिग्मा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अगर आपको कैलकुलेशन करनी है इसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके क्वार्टाइल डेविएशन की, तो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला होती है 2/3 सिग्मा अप्रोक्सीमेटली, एंड अगर मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है तो मीन डेविएशन की फॉर्मूला होती है इट इज नथिंग बट 4/5 टाइम्स सिग्मा, वो भी अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी हो अगर आपको तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं लास्ट 11 नंबर की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स खास याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन में ये पूछे भी जाते हैं, तो देख लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चों नॉर्मल कर्व से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें खास ध्यान रखने हैं यहाँ पे, जिसके अंदर जो है बच्चों पहला पॉइंट यहाँ पे है, हमें यहाँ पे कहा जाता है कि अगर जो है आपका टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व अगर 1 है, ठीक है, तो एरिया ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस दैट विल बी x इज इक्वल टू म्यू इज 0.5, यानी टेक्निकली कहें तो बच्चों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कर्व जो x इज इक्वल टू म्यू की लेफ्ट साइड के पार्ट की एरिया की बात और राइट साइड के पार्ट 50% 50% होगा, यानी 0.5 होगा। सिमिलरली अगर कहा जाए सेकेंड पॉइंट में, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस, उसमें हमें बताया जाए अगर म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा तो उसकी वैल्यू होगी 0.6826, यानी 68.26% रहेगा। ये वैल्यूज बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हम इसे एग्जाम्पल में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स आपको खास याद रखने हैं, जिसमें अगर आपका एरिया म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड प्लस 2 सिग्मा हो तो वैल्यू रहेगी 0.9545, यानी 95.45% एरिया कवर करेगा वो हिस्सा, एंड अगर उसी तरह से म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा हो तो 0.9973 है, वो वैल्यू याद रखनी है। सिमिलरली म्यू माइनस 1.96 सिग्मा से प्लस 1.96 सिग्मा का एरिया हो तो 0.95 कहेंगे हम यहाँ पे, एंड एट लास्ट अगर म्यू माइनस 2.575 सिग्मा टू अगर म्यू प्लस 2.575 सिग्मा हो प्लस में तो उसकी वैल्यू में 0.99 रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी यूजफुल होगा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज जो है वो हमने अभी ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम देखने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स को ऐड करूंगा। तो बच्चों यहां तक का काम रखेंगे हमारे इस फर्स्ट सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।